भारत ने इस मैच को जीतकर अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली है। इस मैच में टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 218 रन का स्कोर खड़ा किया। इसमें युवराज के बैक टू बैक लगे 3 सिक्सेस ने मैच के रोमांच को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। यूसुफ पठान ने भी बेहतरीन बैटिंग की, 3 छक्के और 2 चौके लगाकर 37 रन के स्कोर किए। इसके बाद 219 रन का टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम मैदान में आई, मगर 20 ओवर में इस टीम के खिलाड़ियों ने 6 विकेट के नुकसान पर 206 ही रन बना पाए। इससे पहले वेस्ट इंडीज के बेन ने पहला ओवर किया, पिच पर सचिन सहवाग की जोड़ी पहला स्ट्राइक सहवाग ने रखा था। बॉल के आते ही उसे बाउंड्री के पार भेजा और चौके का ये शॉट देखकर भीड़ भी इंडिया का शोर मचाने लगी। इसके बाद एक और चौका जड़ने में सहवाग कामयाब रहे। सहवाग ने 4 गेंदों में 11 रन जुटाए, 17 गेंदों में 35 रन बनाकर सहवाग चलते बने थे। मैदान का ये मूवमेंट रायपुर में खेले जा रहे रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज का रहा। बुधवार को ये मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच सेमीफाइनल मैच के तौर पर खेला गया था।